जय सियाराम। हरिओम हरिओम। अभी पाकिस्तान से एक सीमा हैदर नाम की चार बच्चों के साथ एक महिला भाग के आई है दिल्ली। घर नोएडा में रह रही है, प्रेम में भाग के आई है पाकिस्तान से। और यहाँ सोशल मीडिया पे लोगों ने पीट पिटाए हुए है, प्रेम में पागल होके पाकिस्तान से आई महिला को क्या भारत में रहना चाहिए, क्या उसका स्वागत होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए। जरा मैं उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आया हूँ, बने रहिए 5 मिनट। अगर आपको लगे मैं ठीक कर रहा हूँ तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर लिखिएगा। अब देखिए, ये है सीमा गुलाम हैदर, भारत के सचिन मीणा से प्रेम में पड़ गई। प्रेम में कैसे पड़ी भाई? पबजी खेलते हुए, ठीक है। और नेपाल के रास्ते से भारत आई, नेपाल से भारत आई, नेपाल के रास्ते से। उसके पहले सरजा गई, सरजा से नेपाल आई, नेपाल से नेपाल में मतलब काठमांडू आई, काठमांडू से पोखरा आई, पोखरा से फिर सिंगौली जो है उधर आई, वहाँ से फिर बस से ये आई जमुना एक्सप्रेस में, इसको ग्रेटर नोएडा के आसपास जो है इसको इसने पिक किया संजीव मीना ने, वहाँ एक रेबू ग्रेटर नोएडा में वहाँ पे 2500 रुपए में मकान लिया और फिर वहाँ उसका हनीमून स्टार्ट हुआ। वो अपने साथ चार बच्चों को भी लाई, ठीक से समझिए, ये साजिश है, बड़ा ही खतरनाक जिहाद है ये मैं कह रहा हूं। और संजीव मीना ने अपराध किया, उसको तो पकड़ के थाने पहले सिकाई होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक है, ये देश उसका है, देश उसके लिए खतरे में क्यों पड़े? ये प्रेम नहीं हो सकता, ये दो पैसे की बात है क्या? आप जाएंगे वीजा लेने के लिए, वो ऑनलाइन 2 मिनट में होता है क्या? अब वीजा लेने के लिए गए, कैसे गए, किसके साथ गए, तस्वीर कहां खिंचाई, पासपोर्ट था आपके पास का मतलब, तभी तो वीजा लेने गए। और आपके साथ चार बच्चों का भी वीजा, भारत का नहीं मिला वीजा तो नेपाल का मिला, फिर उसके लिए अप्लाई की होगी, घर से निकले होंगे, हवाई जहाज में बैठे होंगे, सरजा गए, सरजा से काठमांडू आए, तब तक तो संजय मीणा नहीं चाहिए, संजीव मीणा साथ नहीं था, संजीव मीणा तो मिला यहां दिल्ली में नोएडा में। और फिर संजय मीना ने अपने पिता से भी कहा जाके कुछ दिन के बाद, पिता ने कहा आप क्या करें, बाप आदमी क्या बोलेगा भैया, लेके आ गए हो चार चार बच्चों को, उन्होंने कहा पाकिस्तान से लाए हो तो इनको रहने सहने का ढंग तो पहले इधर का हो जाए ना, तब कर लियो शादी, थोड़ा टरका दिया होगा। अब जैसे भारत आया तो पुलिस ने गिरफ्तार किया भाई, गिरफ्तार किया तो मजिस्ट्रेट के सामने भी जाना था। अब मजिस्ट्रेट साहब ने सशर्त जमानत दी है, बाकियों को तो भेज देते हो जुडिशियल रिमांड में। इसका कंडीशनल बेल क्या है मालूम है कि भैया जहां रहते हो वहीं रहियो, देश छोड़ के मत भगियो। अरे मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब, उसको डिपोर्ट करते ना, असंजीव मीना को जेल के अंदर ठूसते, ऐसी गलती कैसे कर ली उसने। ये भारत के लोग कितने मासूम हैं कि क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रही। इस सीमा गुलाम हैदर का भारत आना, उसके चार बच्चों के साथ को साजिश क्यों नहीं मान रहे भाई? इससे बड़ी साजिश क्या होगी? और जज साहब उसको बेल दे रहे हैं, रहो ढंग से, जिस काम के लिए आए हो वो तो करो। ये पहली शादी जो इसकी थी सीमा, ये बलोच है, बलोच, इसका घरवाला भी बलोच है, दोनों ने पहली शादी भी भाग के ही करी थी। और फिर हो हल्ला हंगामा हुआ था, वहां के पंचायत ने इन लोगों के ऊपर कुछ फाइन भी ठूसे थे, फिर ये बोली थी चल यहाँ से भाग ले यार, कराची में रह लेते हैं, तो फिर वहां से कराची आए थे ये लोग। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैं सीमा का शोर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी,
मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें। और भारत की सरकार तो मुस्लिम परस्त सरकार है, अपीजमेंट में इसकी जिंदगी जा रही है, सॉरी इसका समय जा रहा है। अगले चुनाव तक तो वो अपीजमेंट की पराकाष्ठ, अगर भारत को इस्लामीकरण के मुहाने तक तो ले ही आना है इस सरकार को। 800 भारत की नागरिकता पाने के लिए पाकिस्तानी हिंदू जो राजस्थान में रह रहे थे वो टुकड़ों टुकड़ों में 2021 में वापस गए पाकिस्तान। क्यों जाने दिया जब CCC ले आए थे, हैं? नागरिकता कानून ले आए थे, किस लिए ले आए थे? क्यों संसद में चिल्ला रहे थे कि हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, इनको हम नागरिकता देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे जो पाकिस्तान से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे, अफगानिस्तान से आएंगे, क्योंकि इनके साथ उत्पीड़न नहीं होगा। तो पाकिस्तान से आते दे देते ना, क्यों नहीं दिया? क्यों जाने दिया? जब वहां गए होंगे वापस तो उनकी वहां ठुकाई हुई होगी, पिटाई हुई होगी, मीडिया में उन लोगों को खींच के लाया गया होगा, गाली दो इंडिया को कि वहां पाकिस्तानी नाम से ही गाली दी जाती है, ठोका पिटा जाता है, हिंदू हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सीमा गुलाम हैदर को ले आए हो, सीमा नाम से लग रहा है ना कुछ हिंदू जैसी आ रही है ना खुशबू, क्या पता कन्वर्टेड हो वहां भी। पाकिस्तान में तो 23% थे ना गैर मुस्लिम बंटवारे के बाद 1947 में, अब कुछ हजार रह गए। तो जो भी लड़की जवान होती है तो घर से खींच के लाते हैं, उसका निकाह करवा देते हैं, बलात्कार होता है, दुष्कर्म होता है, उसको मुसलमान बनाते हैं, वहाँ बाप बाप लोग चीखते हैं चिल्लाते हैं, और भारत की सरकार उसको पॉइंट ऑफ व्यू में लेके उस हृदय विदारक और अमानवीय दृश्य को लेकर के कानून बनाती है, उसे लागू नहीं करती, क्योंकि यहाँ इनकलाब हो जाते हैं, जज साहब सभी कुंडली मार के बैठ जाते हैं उन कानून पे, वहाँ शाहीन बाग हो जाता है। और यहाँ सोशल मीडिया पे पंगे मचाए हुए हैं कि भैया वो प्यार में पर क्या, चार बच्चे भी लेके आइए पाल लेगा, वो बच्चे स्लीपिंग टेररिस्ट बनेंगे नहीं बनेंगे क्या गारंटी है? कहते हो कि हमारा रॉ इतना स्ट्रांग है कि जितना सिख वाले जो आतंकवादी थे उसको कनाडा में और ब्रिटेन में और अमेरिका में ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो उसकी ISI जो है पाकिस्तान का इंटेलिजेंसी जो है वो क्या खराब है, खत्म है? वो ने ठूस दिया हो इस लड़की को, चार बच्चों के साथ चले जाओ, अरे इतने लाखों रुपए कहां से आए, किसने खर्च किए, उसे पूछा किसी ने? आप लोगों ने कभी सोचा है? सीमा गुलाम हैदर एक सचिन मीणा के प्यार में पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते से भारत आ गई अपने चार बच्चों के साथ, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको बड़ी बात मान रहे हैं, अरे थूकने वाली बात है, ये टेररिज्म है, ये जिहाद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। जज साहब भी देते हैं बिल, चले जाओ भैया ये रहो, यहां से मत जाइयो, अपना आइडेंटिटी मत तो नहीं, अपना जहां रह रहे हो जो पता है ठिकाना वो मत बदलियो, दे दिया बिल, कोई इन्वेस्टिगेशन भी करा लेते भाई। चलिए आधो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मति भ्रम मत होइए कि एक स्त्री है और पाकिस्तानी है और यहां भाग के बच्चों के साथ आई है तो सच्चे में प्रेम में होगी। अपनी पत्नी कितनी प्रेम करती है जरा नाप तोल लियो, ज्योति मोड़िया यहीं पैदा होती है, ठीक है? चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और कभी भी मतलब डबल फिकल माइंड में मत रहिए। ये बात मान के चलिए 100% मान के चलिए कि कोई भी स्त्री प्रेम में पड़ के अपना सर्वस्व कुर्बान नहीं करती, वो प्रेम में पढ़ के अपना सब कुछ बना लेना चाहती है, अपने को मजबूत आधार दे देना चाहती है, और देती है और देती रही है, ठीक है? और ये तो पाकिस्तानी है, इसके पीछे 100% साजिश है। ये सीमा गुलाम हैदर जो आई है संजीव मीना के लिए हिंदुओं की तरह रह रही है, तो वो सब भी नाटकबाजी होगा, नहीं होगा, कुछ भी होगा, लेकिन संजीव मीना को कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो पबजी खेले, प्रेम करे और चार चार बच्चों की माँ को भारत में ला करके, अब तू ही चला जा पाकिस्तान, हल्का होगा यहाँ, हल्की होगी यहाँ की जमीन, पागल नहीं चाहिए देश को। स्त्री के पीछे पागल हुआ पड़ा है, क्या मिल रहा है उसको? 36 बीमारियां हो जाएंगी 2-4-10 दिन में, जूते पड़ेंगे।
जय सिया राम, हरिओम।